मुआवजा मिलना चाहिए तो वही मेरे को समझ नहीं आ रहा ना ये खेत यहाँ तक था ऐसे था उधर से रास्ता नीचे जाने का था भाई आगे तक था वो नीचे इधर पे भी तक था तो देखो ये वाला हिस्सा टूट रखा है हमारे यहाँ के एरिया का ये अपना ही एरिया है तो देखो ये चीज भी उगा था तभी अपन जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो उधर की साइड जाते हैं इधर की साइड नहीं और दादी पता नहीं कहाँ चली गई दिख नहीं रही है यहाँ पर भाई एक मिनट देखने तो दो कहाँ है दादी यार दादी नहीं दिख रही है और धुंध भी हो रही है यहाँ पर तो हम भी आ रहे हैं ओहो क्या बात है दूसरे रास्ते से जा रहे हैं अपन आज चलते हैं चलो मैं इससे आगे कभी नहीं आता अकेले आज दादी लेके आई है तब आया हूँ तो ये देखो कि साथ में एक्सपीरियंस जो भी हो ना तो उनके साथ आए मैं तो हुई मैं तभी आगे तक लेके आऊँगा वहाँ तक पर यहाँ तक मैं तभी लेके आऊँगा जब रिस्क कम हुआ तो देख के हैं यहाँ पर तो वही तो कह रहा हूँ ये पूरा भेड़ चला गया यहाँ से और नीचे देखो कि ये रोड अब दिख रही है थोड़ा सा साफ हो रहा था ये तो हमारा सारा खेत ही आधा ऊपर से नीचे सब गिर गया नीचे पूरा चला गया हमारा नीचे तक पेड़ पेड़ भी गए सब चीज गए यहाँ पर ये जगह हाँ मैं इधर से तो बड़ा खतरनाक डेंजर एरिया हो गया सारा बह गया ये वही ना देखो हम ऐसे रिस्क नहीं ले रहे हैं नीचे जाने का यहाँ से बाकी रास्ता बन ही जाता है तो दादी अभी दिख भी नहीं रही है पता नहीं कहाँ है हाँ वो तो दादी दिख भी नहीं रही है सोचो इतनी नीचे तक दादी चलेगी वहाँ पर आओ मैं आराम से नीचे रास्ता है अब ये हमें पता नहीं है कि इसका मुआवजा वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे खेत जा रखे हैं यहाँ पर और क्या हुआ क्या कह रहे हो सड़क की वजह से गया ना नीचे सड़क बनी है तो वहाँ जब खुदाई हुई तो इसको लोड पड़ गया उससे कमजोर हो गया तो इसका भी तो मुआवजा मिलना चाहिए करने से बात करते हैं वहाँ पे ये क्या खड़ा ये तो हमारा आधा और खेत चला जाएगा भाई हाँ ये जाने वाले काम है ये देखो क्योंकि नीचे तक वहाँ से हिस्सा ये पूरा आगे था आधा हमारा नीचे चला गया और रोड की वजह से भी गया रोड है ना वो वैसे खुदा है तो उसका वो कम पड़ गया देख रहे हो छन था जो पहले यहाँ से ले गए इतनी ऊंची दीवारें थी पर मेरे को भी ध्यान है 2010-11 का जब आए थे उस टाइम यहाँ पर दीवारें दिख रही थी इधर और इधर अब ये चीज क्या बोले ये जो पत्थर दिख रहे हैं ये बहुत पुराने जब यहाँ पर छान बना रखा था तब बांधते थे तो ये भी बहुत पुरानी बात हुई 50 साल से भी ऊपर की बात वहाँ पर देखो उस टाइम का So, दादी आ गई ऊपर बिल्कुल नीचे वाले रास्ते से ऊपर आ गई आ गए सो भाई ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना आना चाहते हैं तो ज़रूर आना मैं तो फैमिली के साथ आया हूँ तो अच्छा स्पेंड हो रहा है टाइम क्योंकि पापा बता भी रहे हैं कहाँ पर क्या है रही है मैं आता जाता रहता हूँ तो मुझे भी पता है बट पापा की मुझे सुनने में अच्छा लगता है कि यहाँ अपना है ये है वो है आवाज़ मार रही है दादी चलो क्या कह रहे हो अच्छा लीला मौसी का तो मौसी आप देख लो ये आपका खेत है ये वाला घास आ रहा देख ले फार दस हजार रुपये क्या करो गोर नीचे घास क्या खंड जाने बात ये भी ठीक है भले के हैं रे माँ जी इजल है तो ये जो खेत है ले ये मौसी का है ले और मम्मी और मौसी का एक ही ससुराल है ले ये बात हो मम्मी गाँव अरे जो गाँव छे बोड़ बोड़ या मेरा मौसी के ले मौसी ले ओ जेठ ले मेरा मौसी फांग छे रियो देख मेरा मोड़ हमारा फांग मोड़ हमर छे फांग मोड़ बे भाम बे हमल जो दिखे ना जो तुम देख भर भले पूछ भाम से और हाय वो आ गई दादी के रिस्पांस आ गया तो ऐसे बुलाया जाता है मैं करता हूँ रुको बाहू चलो पहुंच गई इसी के नीचे वाले खेत से हम गए थे अभी नीचे रास्ते से
सो भाई अभी ये जो नज़ारा आपको दिख रहा है इसमें आवाज़ें भी सुनो, ठीक है, एक मिनट तक आराम से आवाज़ सुनो। हमेशा फील कराता हूँ मैं जब भी इधर आता हूँ। राम गंगा की नदी की आवाज़ भी आ रही है। आ रही है। पापा आना थोड़ा सा आगे, ये नज़ारा देख लो, ये देखने को मिलेगा जब आप मेरे साथ आओगे, ठीक है। बॉर्ड तल्ला बसना रूम से 9691886998। दादी उधर गई। सो गीला होता जा रहा है, बाकी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इतनी तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब तब करो अगर वीडियो पसंद आए तो। तो देखो दादी कहाँ से आ रही हैं अभी, हम नीचे थे, नीचे से दादी दूसरे रास्ते से आ रही हैं। वेरी गुड। अरे अरे कितना चाह लिया, वाह। कहीं कितने मिले दादी? दूर के होंगे ना। कुछ मिला ही नहीं कुछ। दादी को 10-15 मिल चुके हैं मशरूम, देख तो एक भी नहीं रहा। अच्छा एक मिल गया। मशरूम या कुछ और है? अभी दादी जरा चख रही है मशरूम को जो ताजे ताजे हैं। चखो दादी, दिखाओ पहले। हल्का सा चख, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से दादी चख रही है पर चखा नहीं जा रहे। हो रहे बढ़िया दादी? चलो ताजे ताजे का अलग ही टेस्ट होता है, ये बात भी है। ताजे ताजे दादी ने अभी चख ली, क्योंकि कुछ कुछ जहरीले जो होते हैं वो उनका रंग ही अलग होता है, बिल्कुल चटक रंग जिसे कहते हैं। यहाँ तो अभी नहीं है, अभी ऊपर दिख रहा था, छतरी जैसे ही लग रहा था वो। क्या यहाँ पे एक पौधा था, पता नहीं कौन सा था, इसको खाते थे पान की तरह, इसका वो निकलता था कलर। खेणो पुथेल, किसका पुथेल? जब लाचे हम पान का या पान खाना शौक से कर गीच लाल करना चाहिए, होंठ लाल करना है मुझे। तो क्या पता हो, देख लो। हम आगे लाएंगे अपने कपड़े सूख जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, ना पड़ेगा हो सकता है वो, पर अभी वो जरा घास हो रखी है ना। पर ये तो नहीं है, ये वाला, ये खाक्षा का पात। पर ये आम का, ये तो इसका पान का, ये नहीं पान का पत्ता है वो, इसका बेर होता है, पत्ता ऐसा होता था। एक पात खाती, मतलब खाते क्या उसको, सारे चबाते थे ना, जैसे पान का जो निकलता ना कथा चूने का, वैसे ही निकलता था उसका, होंठ लाल हो जाते थे। अब लाल पान तो यहाँ होता नहीं था, लेकिन उसको खाते थे, हम भी पान खाया। टेस्ट आता होगा सर, टेस्ट नहीं, खाली रंग कलर करने के लिए, होंठ जीप लाल हो जाता। क्या चीज? मशरूम खाओ, मशरूम। तो देखो मशरूम मिल गया है। नहीं चाऊ, हाँ वही चाऊ, कुमाऊनी और च्यू बोल दो उसमें, गढ़वाली में। ऐसी ठीक है, तो अभी का ब्लॉग रखता हूँ इतना ही। आपको मैंने चाऊ दिखा दिया, जंगल दिखा दिया, बादल दिखा दिए, पहाड़ दिखा दिए, बारिश भी दिखा दी जो भी आ रही है। सो ठीक है, गढ़वाली चाऊ, बिल्कुल जो आना चाहते हैं चाऊ, तो यहाँ पर आना चाहते हैं तो जरूर आना।